तो गाइज़ हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम आपको बता दें कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम को अपने ओपन कर लेते हैं। जब हम इंस्टाग्राम को अपने ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हमने एक फ़ोटो पहले से ले लिया है, मान लीजिए हमें इसी में सब कुछ करना है, ठीक है। अब टैग्स को मैंशन करते हैं, जिन जिन हैशटैग्स को हम मैंशन करेंगे उनका जो भी मतलब सब काम जितना भी होगा वो हैशटैग्स करेंगे। जैसे मान लीजिए हैशटैग मैं पहले अपना ही हैशटैग हिमांशु हिम के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको डन करते हैं और इसको हैशटैग्स को हम इस हैशटैग को छोटा सा यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग हैप्पी मान लो, हैशटैग हैप्पी, वो तो हैशटैग से मान लीजिए हम अपना हैशटैग हिमांशु हिम लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले तो इसको रिमूव करते हैं, हम एक हैशटैग लगाते हैं, ठीक है। एक हैशटैग लगाएंगे और हम अपना मान लीजिए लगा रहे हैं, ऐसे आप कोई भी एक हैशटैग, कोई भी एक हैशटैग लगा दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग आप जितना भी लगाएंगे वो स्टोरी आपके वहाँ पे शो होगी हैशटैग वाले में। तब मान लीजिए कोई अगर विजिट करेगा उस हैशटैग को, तो मैंने तो मान लीजिए अपना नाम का ही हैशटैग लगाया है, मेरा हैशटैग है पर्सनल हैशटैग, आप चाहें तो कोई भी हैशटैग लव लाइक कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हैशटैग आप मेंशन करिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा अपना ही मैं दूसरा अकाउंट मेंशन करता हूँ, यही मान लो हम इसी को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और इसको मेंशन करके आप हो सके तो इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके इसको नीचे करके इसके ऊपर से कोई एक वो लगा दीजिए ताकि कोई जान ना पाए। और मेंशन आप किसी को भी कर सकते हैं, कितने भी लोग हों वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली स्टोरीज पे व्यूज आते हैं और अच्छे खासे स्टोरीज पे व्यू आते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा होता है, मतलब ये काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़। मान लीजिए हम ये लगा कर यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कोई जान ना पाए कि हमने क्या हैशटैग यूज़ किया है। मान लीजिए हमने ऐसे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, मेरी जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वो मेरी उस हैशटैग पे भी शो करेगी। तो इससे क्या होगा, जितने लोग उस हैशटैग को फॉलो करते हैं उनके पास फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड ने फ़ोटो अपलोड की, तो वो जब अपनी फ़ोटो अपलोड की उसने हैशटैग लगाया नीचे, तो वो हैशटैग वहाँ पे शो करेगा। तो उससे आपका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उससे व्यूअर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो गाइस आप ये फॉलो कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमें बताना है, वो ये है कि गाइस अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हमने नीचे लिंक दे दी है, वहाँ से आप विजिट करके हमें वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई करूँगा और वहाँ से हम बताएंगे क्या इसके पीछे की मतलब क्या क्या इसके रीज़न्स हैं और किस टाइप से हमें कोलैबोरेशन करना है। तो गाइज़ अगर आप छोटे बड़े चैनल में से आते हैं या फिर आपका चैनल अभी स्टार्टिंग ही किया है, तभी आप हमसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करिए, हमारे पास डायरेक्ट मैसेज करिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।